नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथन पोतो शिक्षक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कि 12% डीए के बाद 2400 ग्रेड पे वाले शिक्षकों का कितना बनेगा वेतन, तो इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को अंत तक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 12% डीए के साथ ट्रेंड शिक्षकों का वेतन जिनका ग्रेड पे 2400 है उनके बारे में यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप मूल वेतन देख लीजिए, जनवरी 2019 में कोई बदलाव नहीं है, जो पुराना मूल वेतन था जुलाई 2018 के बाद मूल वेतन आपका वहीं रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब एक एक करके सभी जितने जो भी बेसिक वेतन है उसके बारे में बताता हूँ। जिनका मूल वेतन 20,130 है उनका जो आवास भत्ता बनेगा वो 805 रुपये बनेगा, महंगाई भत्ता बनेगा 2,416 रुपये, 1,000 उनका मेडिकल बनेगा और 1,000 मेडिकल के साथ उनका जो कुल वेतन होगा वो 24,351 रुपये हो जाएगा। जिनका मूल वेतन 20,740 होगा उनका आवास भत्ता 830, महंगाई भत्ता हो जाएगा 2,489, 1,000 मेडिकल बन जाएगा और कुल वेतन होगा उनका 25,059 रुपये। अब बात करने वाले हैं कि जिनका मूल वेतन होगा 21,370 उनका आवास भत्ता बनेगा 855 रुपये, महंगाई भत्ता बनेगा 2,564 रुपये, 1,000 रुपये मेडिकल के साथ उनका जो वेतन हो जाएगा वो हो जाएगा 25,789 रुपये। जिनका मूल वेतन 22,020 होगा उनका आवास भत्ता होगा 881 रुपये, महंगाई भत्ता हो जाएगा 2,642, 1,000 मेडिकल के साथ उनका कुल वेतन होगा 26,543 रुपये। जिनका मूल वेतन बनेगा आपको 22,690 जिनका मूल वेतन होगा उसका आवास भत्ता होगा 908 रुपये, महंगाई भत्ता होगा 2,723 रुपये, 1,000 मेडिकल के साथ कुल वेतन होगा 27,321 रुपये। जिनका मूल वेतन होगा 23,380 उनका आवास भत्ता 4% के साथ 935 रुपये होगा, महंगाई भत्ता होगा 2,806 रुपये, 1,000 मेडिकल के साथ कुल वेतन बनेगा उनका 28,121 रुपये। अब बात करने वाले कि जिनका मूल वेतन 24,090 होगा उनका आवास भत्ता होगा 964 रुपये, महंगाई भत्ता होगा 2,891, 1,000 मेडिकल के साथ उनका कुल वेतन बनेगा 28,945। तो ये तो वेतन चार्ट था 2400 ग्रेड पे वाले शिक्षकों का। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चार्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वेतन चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।